माननीय श्री सुभाष नेम्बांग पार्लियामेंट के स्पीकर श्री एवं माननीय सांसदगण और आदरणीय सभागृह, म नेपालमा आउन पाएकोमा अत्यन्तै हर्षित छु। धेरै वर्षअघि एक पथिक या तीर्थालुको रूपमा म यहाँ आएको थिए। यो भनाई कि एक पटक तपाईले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो भने यो जीवन पर्यंत सम्बन्धमा बदलिन्छु। प्रथमतः यस सुन्दर देशको साथीको रूपमा म फेरि फर्केर आएको छु। भारतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुनः आउन पाउँदा वास्तवमै मैले भाग्यशाली महसुस गर्छु। यो यस्तो यात्रा थियो जुन म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रवेश गर्न बित्तैकी गर्न चाहन्थे, किनकि हाम्रो नेपाल संघको सम्बन्ध मेरो सरकारको उच्चतम प्राथमिकता मध्य हो। निमन्त्रणा गर्नु भएकोमा म सरकार र नेपालका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सँगै मैले 125 करोड भारतीय जनताको माया, शुभकामना र सद्भावना लिएर आयो छु। आप कल्पना कर सकते हैं कि पल मेरे लिए कितने गर्व की पल है, क्योंकि आपकी संसद में मैं पहला मेहमान हूं जिसको आपने बुलाया है और संबोधन करने का अवसर दिया है। ये सम्मान सिर्फ नरेंद्र मोदी का या भारत के प्रधानमंत्री का नहीं, ये 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मैं इसके लिए आदरणीय स्पीकर श्री का और आप अभी सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। और इसलिए हमारे संबंध कागज की किस्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं, हमारे संबंध दिलों की दास्तान कहते हैं। जन जन के मन के
प्रतिगोष के रूप में है। हम एक ही सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं। मैं मूलतः गुजरात का हूं, सोमनाथ की भूमि है, और सोमनाथ की भूमि से चल करके मैं राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया, और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ हूं। ये वो भूमि है जहां किशोरी जी बचपन में खेला करती थी, और आज भी हम जनक का स्मरण करते हैं। ये भूमि है जिसने विश्व को अचंभित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है। ऐसी एक सांस्कृतिक विरासत की धनी है, और इसलिए और जब मैं काशी का प्रतिनिधि बन गया तो मेरा तो नेपाल से नाता और जुड़ गया, क्योंकि काशी में एक मंदिर है जहां पुजारी नेपाल का होता है, और नेपाल में पशुपतिनाथ है जहां का पुजारी हिंदुस्तान का होता है। भारत का हर व्यक्ति 51 शक्तिपीठों के दर्शन की कामना करता है। उन 51 शक्तिपीठों में 2 शक्तिपीठ नेपाल में है, यानी इतना अटूट नाता है हमारा। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा। किसी नेपाली ने शहादत न मोली हो। भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। भारत के लिए जीने मरने वाले उन बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता। भारत की सेना के फील्ड मार्शल एक बहुत बढ़िया बात बताते थे। वो कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। अगर गुरखा कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूं, मतलब सच्चाई है। ये बात फील्ड मार्शल माणिक शाह ने कही थी। ऐसी ये वीरों की भूमि है, सांस्कृतिक धारा है, और आज मैं कह सकता हूं नेपाल के नागरिकों की नहीं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पूरे विश्व का ध्यान नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है। और नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है मतलब इस सभागृह में बैठे हुए आप सब पर केंद्रित हुआ है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाला पूरा विश्व आज आपकी तरफ देख रहा है, बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है। आपको लगता होगा आप इस सदन में बैठ करके संविधान के निर्माण की चर्चा कर रहे हैं, भिन्न भिन्न धाराओं की चर्चा कर रहे हैं, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के हितों के कल्याण की चर्चा कर रहे हैं। इतना नहीं है। संविधान के निर्माता के रूप में आपको यह सौभाग्य मिलना
उस घटना को मैं अगर और तरीके से देखो, हम जिस परंपरा से जीते हैं, कभी कुछ ऋषि मन ने वेद निर्माण किए, किसी ने उपनिषदें निर्माण की, किसी युग में संहिताओं का निर्माण हुआ, और जिसके प्रकाश में हजारों साल से हम अपना जीवन निर्वाह और आयोजन करते रहते हैं, उसी कड़ी में आधुनिक जीवन में राष्ट्र का संविधान भी एक नई संहिता के रूप में जन्म लेता है। नए युग को दिशा दर्शन देने का काम संविधान के माध्यम से होता है, जो किसी जमाने में ऋषियों ने वेद के द्वारा, पुराणों के द्वारा, संहिता के द्वारा किया था। एक प्रकार से आप नई संहिता लिख रहे हैं, और इसलिए यह सौभाग्य प्राप्त करने वाले आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। लेकिन संविधान निर्माण की एक पूर्व शर्त होती है, संविधान के निर्माण के लिए ऋषि मन होना जरूरी होता है। वो मन जो दूर का देख सकता है, वो मन समस्याओं का अंदाज लगा सकता है, और वो मन आज भी उन शब्दों में अंकित करेगा जो 100 साल के बाद भी समाज को सुरक्षित रखने की, समाज की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। कितना पवित्र, कितना उम्दा, कितना विशाल, कितना व्यापक काम आप लोगों के पास है, और इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आपको नमन करने आया हूं, मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं। संविधान एक किताब नहीं होती है, संविधान कल, आज और कल को जोड़ता है। मैं कभी कभी सोचता हूं भारत का संविधान वो हिमालय को समंदर के साथ जोड़ता है, भारत का संविधान कच्छ के रेगिस्तान को नागालैंड की हरी भरी पर्वतमालाओं के साथ जोड़ता है, 125 करोड़ नागरिकों के मन को, आशा को, आकांक्षाओं को पल्लवित करता है। आप जिस संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, वो सिर्फ नेपाल के नागरिकों के लिए नहीं, दुनिया के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखने जा रहे हो। आपको आश्चर्य होगा कि मोदी जी क्या बता रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं। आपका संविधान जो बनेगा वो सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, विश्व के लिए एक स्वर्णिम पृष्ठ बनने वाला है, क्योंकि इतिहास की धरोहर में देखें तो एक सम्राट अशोक हुआ करते थे। युद्ध के बाद शांति की तलाश में निकले, युद्ध छोड़ बुद्ध की शरण गए, और एक नया स्वर्णिम पृष्ठ लिखा गया। मैं उन सबको बधाई देता हूं जिन्होंने बुलेट का रास्ता छोड़ करके बैलेट के रास्ते पर जाने का संकल्प किया, नेपाल की धरती पर किया। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं जो युद्ध से बुद्ध की ओर प्रयाण किया है, और इस सदन में आपकी मौजूदगी युद्ध से बुद्ध की तरफ की आपकी यात्रा का अनुमोदन करती है, और इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूं। आप जब संविधान का निर्माण करेंगे, वो संविधान, और मुझे विश्वास है कि पीस प्रोसेस के गर्भ से एक ऐसा उम्दा संविधान जन्म लेने वाला है जो कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। लेकिन इससे भी आगे, आज दुनिया के हर भूभाग में छोटे मोटे कई गुट ऐसे पैदा हुए हैं जिनका हिंसा में ही विश्वास है, शस्त्र के माध्यम से ही सुख प्राप्त करने का उनको मार्ग लगता है,
विश्व के सामने नेपाल वो देश बनेगा जब संविधान लेकर के आएगा, वो दुनिया को विश्वास दिलाएगा कि शस्त्रों को छोड़ करके शास्त्र के सहारे भी जीवन को बदला जा सकता है। ये उम्दा काम आप करने वाले, हिंसा में विश्वास करने वाले दुनिया के घूंटों को नेपाल का संदेश जाएगा कि बम बंदूक और पिस्तौल के माध्यम से भलाई नहीं होती है, संविधान की सीमा में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा उम्दा काम आपने शुरू किया है और उन लोगों ने उसमें हिस्सेदारी की है जिन्होंने कभी शस्त्र में भरोसा किया था, शस्त्र को छोड़ करके, युद्ध को छोड़ करके बुद्ध के मार्ग पर जाने का रास्ता अपनाया। और इसलिए एक ऐसा पवित्र काम आपके माध्यम से हो रहा है, इस संविधान सभा के माध्यम से, जो विश्व के हिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। और आपका प्रयोग अगर सफल रहा तो विश्व को हिंसा से मुक्ति का एक नया मार्ग ये बुद्ध की भूमि से मिलेगा, ये मुझे आपके संविधान में ताकत नजर आ रही है। और इसलिए मैं उस रूप में इस संविधान सभा को देख रहा हूं, उस सामर्थ्य के रूप में देख रहा हूं। संविधान किसके लिए? भारत प्रारंभ से मानते आया है, हमारा काम आपके काम में दखल करने का नहीं है। भारत का तो काम आप जो संकल्प करें, आप जो दिशा चुने, उसमें हम अगर काम आ सकते हैं तो काम आना यही हमारा संकल्प है। आपको दिशा देना ये हमारा काम नहीं है, आपकी मंजिल को और ले जाना ये हमारा काम नहीं है। नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है, हमारी इच्छा इतनी है कि नेपाल ये सार्वभौम राष्ट्र हिमालय जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे और पूरा विश्व नेपाल को देख करके गौरवान्वित हो, ऐसा नेपाल देखने की हमारी इच्छा। और इसलिए आपके पड़ोस में बैठ करके और हमारे लोकतंत्र के अनुभव के आधार पर हमें अच्छा लगता है जब ये बातें सुनते हैं कि आप इस दिशा में जा रहे हैं, हमें आनंद होता है। संविधान वो हो जो सर्व समावेशक हो, हर नेपाली नागरिक को, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, गांव में हो शहर में हो, पहाड़ में हो तराई में हो, कहीं पर भी हो, हर नेपाली को संविधान जब आए उसको उतना लगना चाहिए ये ऐसा गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में मेरे भी पुष्प की महक है। और संविधान निर्माता ऐसा गुलदस्ता बनाएंगे कि जिसके कारण हर नेपाली को लगेगा, हाँ ऐसा बढ़िया गुलदस्ता आया है, मेरा फूल भी महक मुझे उसमें महसूस हो रही है। वो काम आप करने जा रहे हैं। संविधान वो हो जो सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो, किसी एक का भला करने के लिए नहीं। संविधान जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए। संविधान जोड़ता है, संविधान कभी तोड़ता नहीं है। संविधान विवादों को संवाद की ओर ले जाने का एक सबल माध्यम होता है। और इसलिए चाहे पहाड़ हो तराई हो, संविधान जोड़ने का काम करे और अधिक ताकत पैदा करने का काम करे, उस दिशा में आप सिद्धि प्राप्त करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। संविधान व
वर्तमान के बोझ से दबा हुआ नहीं होना चाहिए। और ऋषि मन का मेरा तात्पर्य यही है, जो वर्तमान से मुक्ति की अनुभूति करता है और जो आने वाले कल को बहुत गहराई से देख सकता है, वही ऋषि मन होता है जो संविधान का निर्माण आने वाली पीढ़ियों के लिए करता है। और हमारी सोच होनी चाहिए, संविधान में हजारों चीजें अच्छी होगी लेकिन एक कॉमा, एक फुल स्टॉप कहीं पर भी ऐसा आ गया जो आज तो पता नहीं रहे, कॉमा है, फुल स्टॉप है, पता नहीं, लिख दिया, लेकिन कहीं 50 साल के बाद, 100 साल के बाद कॉमा और फुल स्टॉप के रूप में आया हुआ कोई एकाध चीज कहीं विष बीज न बन जाए, विष वृक्ष का जन्म न दे जो नेपाल के इन सपनों को रौंद डाले, ऐसी स्थिति कभी आए नहीं। ये बारीकी की चिंता ये संविधान सभा करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और मैं मानता हूं। आपने जो काम शुरू किया वो अपने आप पे गौरव करने वाला काम है। शस्त्र को छोड़ करके शास्त्र का स्वीकार करना, यही तो बुद्ध की भूमि की से निकलने का आवाज है, वही तो संदेश है। और उस अर्थ में भारत चाहेगा, और जो आप लोगों ने तय किया है, जो मैंने सुना है, और मैं मानता हूं कि बहुत ही उत्तम काम, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, आज उपलब्ध व्यवस्था में उत्तम रास्ता आपने चुना है। और भारत हमेशा आपके संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की कल्पना को पूरा पूरा आदर करता है, स्वागत करता है। इंतजार यही है कि जितना जल्दी हो, इंतजार इसी बात का है। नेपाल और भारत के रिश्ते ऐसे हैं, कि थोड़ी सी भी हवा इधर उधर हो जाए तो ठंड हमें भी लगती है। अगर सूरज यहां तप जाए तो गर्मी हमें भी लगती है। ऐसा अटूट नाता है। अगर आप चैन से न सोए हो तो हिंदुस्तान चैन से नहीं सो सकता है। नेपाल का कोई मेरा भाई भूखा हो तो भारत कैसे आनंद ले सकता है। कल जब ये कोशी की घटना घटी, समाचार आए, मेरी पूरी सरकार लगी रही है, भाई कितना बड़ा हादसा हुआ है, क्या हुआ है, इतनी बड़ी चट्टान गिरी है, कोशी नदी का पानी रुका है, पता नहीं इतने लोग खो गए हैं, इतने लोग मारे गए हैं। जितनी चिंता आपको सताती थी उतनी ही चिंता मुझे भी सताती थी। क्यों? ये कष्ट आपका है वो मेरा भी है, ये आपदा आपकी है तो आपदा मेरी भी है। और हिंदुस्तान के किसी कोने में जितनी तेजी से मदद पहुंचाए उतनी ही तेजी से मैंने मदद पहुंचाने के लिए दिशा पकड़ी और लोगों को मैंने भेज दिया। क्यों? आप मेरे हैं, हमारे हैं, हम आप अलग हो नहीं सकते। और इसलिए आपके विकास के अंदर भारत, आपकी जितनी आशा आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल जहां से जन्मे हुए बुद्ध ने मन के अंधेरे को दूर किया था, विचारों का प्रकाश दिया और मानव जात को एक नई चेतना मिली थी, ये नेपाल पानी की शक्ति का ऐसा धनी है कि बिजली के माध्यम से आज भी हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है। और हम बिजली मुफ्त में नहीं चाहते, हम खरीदना चाहते हैं।
हम आपका पानी भी ले जाना नहीं चाहते, आपका पानी। और वैसे वैसे तो एक बात मैं नहीं जानता हूं नेपाल में ये बात किस रूप में देखा जाएगा, पानी और जवानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आते हैं। पानी पहाड़ में रहता नहीं चला जाता है, और जवानी भी पहाड़ में जवानी, थोड़ा सा उम्र बढ़ गई तो मौका ढूंढ चलो कहीं चले जाए रोजी रोटी, बेचारे को कहां रोजी रोटी नहीं है। वो जवानी भी पहाड़ के काम नहीं आती, वो पानी भी पहाड़ के काम नहीं आता है। लेकिन किसी युग में कहां गया होगा, हमें इस बात को बदलना है। वो पानी पहाड़ के काम कैसे आए, वो जवानी पहाड़ को कैसे नए रौनक दें, वो नए नई दिशा बदलना हम चाहते हैं। और इसलिए विकास यही एक उसके लिए मार्ग है। भारत युवा देश है, नेपाल भी युवा देश है। यहां कितने नौजवानों की तादाद है, अगर उन नौजवानों के हाथ में अवसर दिया जाए, नेपाल की कल क्या, नेपाल की आज बदलने का सामर्थ्य इस नौजवानों में है। वो अवसर कैसे मिलेगा? हम प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके विकास की एक दिशा तय नहीं करेंगे तो कैसे होगा? भारत इसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहता है। निर्णय आप कीजिए, आप अपने नेतृत्व का परिचय दीजिए। और अकेले हिंदुस्तान को बिजली बेचकर भी नेपाल समृद्ध देशों में अपनी जगह बना सकता है, इतनी ताकत आपके पास है। हम इसमें आपके साथ आपकी इस विकास यात्रा में जुड़ना चाहते हैं। यहां पर ट्रकों के द्वारा ऑयल आता है, युग बदल चुका है, पाइपलाइन से क्यों ना आए, हम उस काम को पूरा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यहां के नौजवान भारत आते हैं, उनको भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है। उस स्कॉलरशिप पाने वाले नौजवानों की संख्या में मैं बढ़ोतरी करना चाहता हूं, अधिक नौजवानों को अवसर मिले। और ये मैं आपको समझ लीजिए, आज ही घोषणा कर दी, उसका फायदा उठाइए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी पौधा लेने के लिए यहां आए थे। आज पूरे विश्व में होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा चल रही है। हिमालय जड़ी बूटियों के हिमालय के गर्भ में पड़ी है। अगर उन जड़ी बूटियों को हम हर्बल मेडिसिन को बढ़ावा दें, क्यों न नेपाल दुनिया में सबसे बड़ा हर्बल मेडिसिन का एक्सपोर्टर क्यों न बने? क्या क्या नहीं है आपके पास? मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए तैयार हूं। भारत जो मदद हो सके करना, मैं क्योंकि आने वाले दिन में विकास को कैसे किस दिशा में ले जाना आपके पास ये पड़ा है, मैं नया नहीं कहता हूं। टूरिज्म, 125 करोड़ देशवासी आपके पड़ोस में ऐसे हैं जो कभी न कभी पशुपतिनाथ आकर के अपना सर झुकाना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के पास आकर के शांति का संदेश लेना चाहते हैं। क्यों ना नेपाल का टूरिज्म उस रूप में विकसित हो ताकि भारत से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट नेपाल को मिले। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, कम से कम पूंजी से ज्यादा रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो टूरिज्म है। टूरिस्ट आता है तो चना बेचने वाला भी कमाता है, मूंगफली बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, टैक्सी वाला भी कमाता है, चाय बेचने वाला भी कमाता है,
और जब चाय बेचने वाले की बात आती है तो मुझे जरा आनंद होता है। कहने का मतलब यह है कि टूरिज्म के विकास की इतनी संभावना पड़ी है। एडवेंचर टूरिज्म के लिए हिमालय से बढ़कर क्या हो सकता है, नेपाल से बढ़कर कौन सी जगह हो सकती है। पूरे विश्व के नौजवानों को पागल कर दें, इतनी ताकत आपकी धरती के पास पड़ी है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आइए आगे आइए। पूरे विश्व का एडवेंचर यूथ, जिसको एडवेंचर करने का मिजाज है, जिसको पहाड़ों पर जाने की इच्छा रखती है, आप पूरे विश्व के युवा को ललकार सकते हैं। आइए, कितना बड़ा अवसर है। हमें संविधान भी निर्माण करना है, हमें नेपाल को नई ऊंचाइयों पर भी ले जाना है, और उसके लिए एक पड़ोसी का धर्म हम निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे मन में आया, मैंने कहा नेपाल को हिट करें। मुझे लगा मैं ऐसा शब्द प्रयोग करूंगा तो शायद आपको बुरा लग जाएगा, ये कौन होता है हिट करने वाला। लेकिन मैं जब हिट करने की बात करता हूं तब मेरे मन में तीन प्रमुख बातें हैं। HIT, एक हाईवेज, दूसरा आईवेज और तीसरा ट्रांसवेज। नेपाल को भारत ये जितनी जल्दी ये गिफ्ट दें, हाईवेज दें, हाईवेज इंफॉर्मेशन वेज, पूरे विश्व के अंदर नेपाल पीछे रहना नहीं चाहिए। नेपाल भी डिजिटल बनना चाहिए, नेपाल विश्व के साथ जुड़ना चाहिए। हाईवेज चाहिए और ट्रांसवेज, ट्रांसमिशन लाइंस। आज बिजली जितनी हम दे रहे हैं नेपाल को, उसको डबल करने का मेरा इरादा है, और उसके लिए जितना जल्दी ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे, अभी हम नेपाल का अंधेरा दूर करेंगे और दशक के बाद अंधेरा हिंदुस्तान का नेपाल दूर करेगा, ये हमारा नाता है। और इसलिए मैंने कहा H हाईवे, I इंफॉर्मेशन, V T ट्रांसमिशन वे, ट्रांसवे, ये मैं हिट करना चाहता हूं, और आप भी चाहेंगे ये हिट जल्दी हो। मुझे विश्वास है कि हम अब, हमें लगता है जितना जल्दी नेपाल को हमारे पास बुला सके हम बुलाना चाहते हैं। अब इसको खिसक कर तो ले जाने वाला विज्ञान तो भी आया नहीं है, लेकिन अगर महाकाली नदी पर ब्रिज बन जाए तो मेरे और आपके बीच की दूरी बहुत खत्म हो जाएगी, आप एकदम हमारे पास आ जाएंगे। आज हमें घूम घाम करके पहुंचना पड़ता है, महाकाली नदी पर ब्रिज बन गया तो हमारी दूरियां कम हो जाएगी। और हम इस बात पर बल दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से सीमा हमारे लिए, बॉर्डर जो है वो बैरियर नहीं हो सकती, बॉर्डर ब्रिज बनना चाहिए। और हम चाहते हैं भारत और नेपाल की सीमा इस प्रकार से वाइब्रेंट हो, अच्छेपन की लेन देन होती रहे, ताकि आपका भी विकास हो, भारत के भी आपके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको भी विकास का भी अवसर मिले। एक योजना आज मैं प्रधानमंत्री जी से बता रहा था, मैंने कहा कि हिमालय पर रिसर्च होना बहुत जरूरी है, इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा है, भारत ने उस पर एक काम शुरू किया है, हमने हमारे इस बजट में भी उसकी घोषणा की है, नेपाल भी उसमें आगे बढ़े।
और हम मिलकर के हिमालय की शक्ति मानव जात के लिए कैसे काम आ सकती है, उसके वेज एंड मीन्स क्या हो, उसके सामर्थ्य को हम पहचाने, विज्ञान की उन नई परतों को हम खोले और मानव जात के कल्याण की दिशा में हम जरूर काम करें, उसी प्रकार से हम प्रयास करना चाहते हैं। कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूं, अमेरिका टेलीफोन करना है तो बड़े सस्ते में हो जाता है, लेकिन नेपाल फोन करना है तो बड़ा महंगा पड़ जाता है। हमें समझ नहीं आता भी ये क्या बात है, ऐसा कैसे बैरियर। और नेपाल के लाखों लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, बेटे परिवार से बात करना चाहते हैं, कर नहीं पाता है, नमस्ते करके फोन रख देता है। मैं स्थिति बदलना चाहता हूं, दोनों देशों में ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे मिलकर के हम भी बात करेंगे, आप भी बात कीजिए। ये कनेक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में, बड़े आराम से सहज से कम खर्चे पे बात हो, और उसी से तो नाता जुड़ता है। लाइव कम्युनिकेशन जितना बढ़ता है उससे नाता बनता है, और हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। अभी आपने सुना होगा, जब मेरा शपथ समारोह था, मैं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला था, मैंने सार्क देशों को निमंत्रित किया था, और मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत ही कम नोटिस में आप आए। और मैं मानता हूं कि सार्क देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लड़ने का एजेंडा लेकर आगे क्यों ना बढ़े। गरीबी के खिलाफ लड़ाई में हम सभी सार्क देश एक दूसरे की मदद करें, और उसमें एक काम सार्क देशों को और भारत का दायित्व है, हम कोई उपकार नहीं करते, हम मानते हैं हमारा दायित्व है कि हमारे अड़ोस पड़ोस के हमारे जितने भी छोटे भाई हैं, हमारे साथी भाई हैं, उनकी उनकी विकास यात्रा में हम मदद रूप हो। और इसलिए अभी अभी मैंने घोषणा की है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ हमारे सार्क देशों को मिलना चाहिए, और इसलिए भारत की तरफ से एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जिस सार्क सैटेलाइट का लाभ हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ सार्क देशों को मिले, नेपाल को मिले, उस दिशा में हमने कदम उठाना तय किया है। और इसलिए इसका आने वाले दिनों में जरूर लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से मैंने पहले ही कहा कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, हम इतने पास में हैं, आप और बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, आते आते 17 साल लग गए। यह अखरता है, मैं आपको वादा करता हूं अब ऐसा नहीं होगा। और मैं तो कुछ ही महीनों में वापस आ रहा हूं सार्क समिट के समय, और मैंने उस समय तय किया है कि मैं उस समय जब आऊंगा तो राजा जनक को भी नमन करने जाऊंगा, भगवान बुद्ध को भी नमन करने जाऊंगा। यह खुशी की बात है कि पंचेश्वर प्रोजेक्ट बहुत पहले तय हुआ, कितने रुपये की लागत बढ़ गई, लेकिन अब अथॉरिटी का निर्माण दोनों देशों में हुआ है। मैं मानता हूं 1 साल के भीतर भीतर 5,600 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट काम आरंभ हो जाए। आप कल्पना कर सकते हैं नेपाल की कितनी बड़ी सेवा होगी। आज नेपाल के पास जितनी बिजली है उससे करीब करीब 5 गुना बिजली, छोटी बात नहीं है जी, विकास को कितनी नई ऊंचाई मिल सकती है। और उसके लिए भारत बिल्कुल प्रोएक्टिव होकर के आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो, और हम आपको उस दिशा में पूरा प्रयास करेंगे। एक बात की ओर मैं चाहूंगा, जैसे मैंने कहा हर्बल मेडिसिन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वैसे भी
ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है। जो माल रुपये में बिकता है वो अगर ऑर्गेनिक है तो डॉलर में बिकने लग जाता है। और नेपाल एक ऐसी भूमि है जहां ये संभव है। भारत में सिक्किम एक राज्य आपके पड़ोस में ही माना जाएगा, सिक्किम ने पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया अपने आप को और उसके कारण उसका विश्व में एक नया मार्केट खड़ा हुआ है। अगर नेपाल उस दिशा में जाना चाहता है मुझे खुशी होगी आपको मदद करने की, आपके साथ काम करने की। उसी प्रकार से हमने एक प्रयोग शुरू किया है हिंदुस्तान में सॉइल हेल्थ कार्ड का। हम जानते हैं नेपाल और हिंदुस्तान में हम नागरिकों के पास भी हेल्थ कार्ड नहीं है, लेकिन हम सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को, उसकी जमीन की तबीयत कैसी है, कोई बीमारी तो नहीं है, विशेषताएं क्या है, किस प्रकार के फसल के लिए उपयोगी हैं, कौन सी दवाइयां वहां नहीं डालनी चाहिए, कौन सी दवाइयां ही डाली जा सकती है, कितना फर्टिलाइजर लेना, ये सारी वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर नेपाल की रुचि होगी तो हम सॉइल हेल्थ कार्ड के इस काम को जो हम हिंदुस्तान में आगे बढ़ा रहे हैं यहां के किसानों को भी अगर उसका लाभ मिलेगा तो कृषि आधुनिक हो, कृषि वैज्ञानिक हो, उसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में उपयोगी हो सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इसके लिए आप जरूर ही कुछ न कुछ सोचेंगे और मैं मानता हूं। उसी प्रकार से आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मैं आज ये भी आपको घोषणा करके जाना चाहता हूं, भारत नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता देने का हमने निर्णय किया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्रेडिट का उपयोग नेपाल की प्राथमिकता पर होगा। आप इसे हाइड्रो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे क्षेत्रों में लगाएं तो ये करीब $1 बिलियन जैसे अमाउंट मैं आज, और पहले इसका जो दिया हुआ है ये इससे अलग है, उसके साथ इसको जोड़ना जरूर वो अलग है, वो दे दिया, ये नया तो फिर एक बार मैं, आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मैं फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया की नजरें आपके तरफ हैं, विश्व बड़ी आशा भरी नजरों से आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि शस्त्र से मुक्ति का मार्ग संविधान के माध्यम से आज शस्त्र के रास्ते पर चल पड़े लोगों को वापस लाने का काम नेपाल की सफलता से जुड़ा हुआ है। आप सफल हुए तो दुनिया को वापस लौटने का अवसर मिलेगा, शस्त्र छोड़ने की प्रेरणा मिलेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी जनमन की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का रास्ता नया विश्वास पैदा करेगा। आप संविधान के इस काम को उस रूप में देखें, इसलिए मैं दोबारा उस बात का उल्लेख करता हूं कि आपका ऋषि मन 100 साल के बाद नेपाल कैसा हो, नेपाल के लोग कैसे हो, नेपाल के लोगों को क्या मिले, इसका निर्णय आप कर रहे हैं और उस निर्णय में आप सफल होंगे और भगवान के बुद्ध की भूमि में विचारों की कोई कमी हो नहीं सकती, इरादों की कमी नहीं हो सकती है, संकल्प शक्ति की कमी नहीं हो सकती है। और इसलिए एक नया इतिहास यहां से रचने जा रहा है, इसको इतना बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और हम सबको मैं यही कहूंगा कि हमारे जो संबंध है भारत नेपाल मैत्री, ये अमर रहे, भारत नेपाल मैत्री युग युग जीवे
और ये सार्वभौम राष्ट्र नेपाल हिमालय से भी नई ऊंचाइयों को ऊपर उठे, इसी शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू,